हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पूरा पढ़ लिया है जिसका नाम है लिथियम का कार्बोधात्विक यौगिक। उसको हमने पूरे एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी थर्ड ईयर एंड कंपटीशन एग्जाम। इसीलिए लाइक ठोक दो, लाइक लाइक लाइक। अगर चाहते हो जल्दी जल्दी वीडियो आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल, यू नो दैट। तो चलिए हम बात करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है मैग्नीशियम का कार्बोधात्विक यौगिक, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। इसको हम दो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अगला लेक्चर इस पर रिकॉर्ड करेंगे, उसमें इसकी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे मैग्नीशियम के कार्बोधात्विक यौगिक की। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाइए लीड लगा के कानों में, लेक्चर नंबर 4 बीएससी थर्ड ईयर। नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, बस साथ देते रहिए, बने रहिए। आप भी इंटरेस्ट लो, हम तो ले ही रहे हैं आपके लिए ऐसे कोरोना काल में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मैग्नीशियम का कार्बोधात्विक यौगिक क्या है, ठीक है। हमने थोड़ा बहुत कई नाम भी सुना है, RMGX, और भी बहुत कुछ है इसके बारे में, ठीक है। तो देखो, हम वैसे जनरली जानते ही हैं कि कार्बोधात्विक यौगिक कौन होते हैं, जिनमें मेटल और कार्बन बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो कार्बन है वो कौन होना चाहिए, एल्किल समूह का कार्बन होना चाहिए। यू नो, मैंने पहला जो लेक्चर है उसको जाके देखें, अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो नहीं है जिनमें धातु मेटल कार्बन बॉन्ड है, नहीं, वो जो कार्बन है वो किसी एल्किल समूह का एल्केन, एल्कीन या एल्काइन का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम का कार्बोधात्विक यौगिक है वो दो रूप में पाया जाता है। कौन कौन से रूप में पाया जाता है देखो, एक तो पाया जाता है RMGX, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर अपन हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। यहां जो R है वो कुछ भी हो सकता है, एल्किल समूह, CH3 हो सकता है, C2H5 ETC, कुछ भी हो सकता है। जो X है वो क्या है, हेलोजन है। हेलोजन कौन कौन सी होती हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, ये हेलोजन हो सकती है, ठीक है। एक और रूप में ये पाया जाता है वो होता है R2MG, डाई एल्किल मैग्नीशियम इसको बोलते हैं, ठीक है। है तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्यों, क्योंकि ये जो R है ये एल्किल समूह और मैग्नीशियम तो इसका मतलब कार्बन धातु बॉन्ड, और वो कार्बन किसी एल्किल समूह का क्या है, भाग है, तो वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा, तो इसको बोलते हैं डाई एल्किल मैग्नीशियम। डाइएल्किल मैग्नीशियम, यहां जो R है वो दो हैं, तो वो CH3 भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकते हैं, C5H5 होता है साइक्लोपेंटाडाइन एनायन, ये वाला, ये कुछ इस तरह की संरचना, ये दो डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं C5H5, ठीक है। तो किस किन किन रूपों में पाया जाता है मैग्नीशियम का कार्बोधात्विक यौगिक, एक तो RMGX, R यहां ये हो सकता है, X कौन है, और एक R2MG। ग्रिग्नार अभिकर्मक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे विक्टर ग्रिग्नार, उन्होंने इसकी खोज की थी, विक्टर ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नार, 1912 में आई थिंक इन्होंने की थी इसकी खोज। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, ऑर्गेनिक की बहुत सारी रिएक्शन में बहुत काम करता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट, बहुत सारे, मतलब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में के पोर्शन में जब ये आएगा, जहां चाहे रिएजेंट का काम करता है। तो इसकी खोज की थी विक्टर ग्रिग्नार्ड ने, ग्रिग्नार लिखते हैं हिंदी में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, RMGX का। याद रहे मैग्नीशियम का कार्बोधात्विक यौगिक डाई एल्किल मैग्नीशियम भी हो सकता है और एक RMGX हो सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार अभिकर्मक हम किसको बोल रहे हैं, RMGX को बोल रहे हैं, ठीक है। इसकी खोज की थी विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1912 में, थोड़ी सी इसकी कहानी है, ठीक है। इसके बारे में और हम क्या इंपॉर्टेंट बातें कर सकते हैं वो देखो, अगर मैं बात करूं कि मुझे ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाना है, जिसमें ग्रिग्नार अभिकर्मक की बात करता, तो ग्रिग्नार अभिकर्मक अभी बनाने के मेथड हम पढ़ेंगे, तो इसमें जो एक तो कौन काम आएगा, मैग्नीशियम काम आएगी, मेटल और हेलोजन चाहिए, और क्या चाहिए, कोई भी एल्किल समूह चाहिए। तो अगर मैं बात करूं एल्किल हैलाइडों के का ऑर्डर की, मैं अगर बात करूं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा मैं मैग्नीशियम से रिएक्शन करने के लिए, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, RX,
कोई एल्किल समूह, और एक्स का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो सबसे ज्यादा रिएक्ट ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। अभी अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ेंगे एमओपी में कि ये आरएक्स एल्किल एलाइड रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम के साथ, ड्राई ईथर की उपस्थिति में करेगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो आरएमजीएक्स बन जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूं कि एल्किल समूह जो ये हैं, अगर इनसे आप कभी प्रतियोगी परीक्षा दें, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें और आपसे ऑर्डर पूछ ले कि कौन सा डाई मतलब कौन सा एल्किल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा मैग्नीशियम से अभिक्रिया करने के लिए, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आरआई, फिर कौन होता है आरबीआर, फिर कौन होता है आरसीएल, और लास्ट में आरएफ। ठीक है, ये क्या है रिएक्टिविटी का मैग्नीशियम के प्रति, ऐसे लिखेंगे हम लोग मैग्नीशियम के प्रति, आई एम सॉरी थोड़ा सा मैग्नीशियम के प्रति रिएक्टिविटी का रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता का घटता क्रम। ठीक है, इसका मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सबसे रिएक्टिव कौन होगा आरआई, उसके बाद कौन होगा आरबीआर, और उसके बाद कौन होगा आरसीएल, लास्ट में आरआई, वो रिएक्टिव नहीं करता इसके साथ जनरली। ठीक है, अगर हम बात करें कि आरआई ज्यादा रिएक्टिव कौन हो क्यों होता है, तो हमको पता है कि आयोडीन का आकार क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या, ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है तो आयोडीन जुड़ जाता है मैग्नीशियम के साथ, और आर जुड़ जाता है इसके साथ मैग्नीशियम के इस तरफ, और हैलोजन या आई किसके साथ जुड़ जाता है मैग्नीशियम के दाईं तरफ जुड़ जाता है। इसको लिखने का ये तरीका है। ठीक है, हमको पता है कि आरएमजीएक्स जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होंगे उनमें जो एल्किल समूह होगा या कार्बन वाला जो भाग होगा ऑलवेज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि धातु के साथ जुड़ा है कार्बन, तो धातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युतीयता कैसी होती है, कम होती है, तो जिसकी कम होगी उस पर पॉजिटिव, कार्बन पे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसका एक रीजन और है कि आरआई ज्यादा रिएक्टिव, आरआई ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि जब मैग्नीशियम कभी भी मैग्नीशियम के रूप में नहीं पाया जाता जनरली, मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है एमजीओ, मतलब मैग्नीशियम धातु के ऊपर ऑक्सीजन की परत जमी रहती है। ठीक है, तो जब हम आरआई या मतलब कोई भी एल्किल हैलाइड आरआई आरबीआर या आरसीएल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ये बहुत डेप्थ नॉलेज है, एग्जाम में नहीं ऐसे पूछा जा रहा, आपसे तो पूछा जाएगा कि मैग्नीशियम के कार्य धातु यौगिक को बनाने की विधियां बताइए और क्या होता है। ठीक है, या इसकी केमिकल रिएक्शन बताइए, तो वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हमको पता भी होना चाहिए और क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चल रही हैं। साहब बीएससी कर गए, पता ही नहीं चला, गया कुछ चीजें छूट भी गई, क्या था। तो जनरली आरआई ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, मैं आपको ये बता रहा हूं, तो आरआई क्या करता है मैग्नीशियम से जब रिएक्शन करनी होगी तभी तो बनेगा आरएमजीएक्स, एक्स का मतलब कोई भी ये हैलोजन हो सकती है। ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव कौन है आरआई, तो अपने आप आरएमजीएक्स बन जाएगा। अभी अपन बनानी मेथड पढ़ेंगे, तो मैग्नीशियम पे क्या है ऑक्सीजन की परत जमी होती है ऑक्साइड की। ठीक है, तो ये आयोडीन क्या करता है उस ऑक्साइड की परत को क्या करता है हटा देता है, उसके साथ आसानी सबसे पहले मतलब ज्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्साइड की परत को हटाने के प्रति। यहां तक कि ये होता है कि जब हम आरबीआर या आरसीएल के साथ भी अभिक्रिया करवाते हैं ना मैग्नीशियम की, तो उसमें भी थोड़ा बहुत आयोडीन मिला देते हैं, इसलिए मिला देते हैं कि जो मैग्नीशियम पर जो ऑक्साइड की परत होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो आरएमजीएक्स बनेगा नहीं, आरएमजीएक्स तभी बन सकता है कि आरएक्स हो और कौन हो मैग्नीशियम हो, तो मैग्नीशियम पर ऑक्साइड की परत जमी रहती है। तो जहां तक कि जब आरसीएल और आरबीआर के साथ अभिक्रिया कराते हैं ना तब भी आयोडीन मिला देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि किसको मिलाया जाता है, चाहे हम किसी भी एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाएं तो आयोडीन को मिलाया जाता है, क्योंकि आयोडीन क्या करता है ऑक्साइड की परत को क्या कर देता है वहां से हटा देता है। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सी जानकारी है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनको कैसे बनाते हैं, ग्रिग्नार अभिकर्मक हो चाहे डाई एल्किल मैग्नीशियम हो, दो रूपों में पाया जाता है, एक तो ग्रिग्नार अभिकर्मक के रूप में पाया जाता है और एक पाया जाता है डाई एल्किल मैग्नीशियम के रूप में। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि केवल ग्रिग्नार अभिकर्मक ही मैग्नीशियम का कारण धातु यौगिक, वो उसका एक प्रकार है, एक डाई एल्किल मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ठीक है, इस रूप में भी ये पाया जा सकता है। आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे कि भैया मैग्नीशियम का कारण धातु यौगिक क्या है, तो हम बोलेंगे मैग्नीशियम एल्किल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे क्या बनता है आरएमजीएक्स बनता है, इसको अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक कहते हैं। एक इसका दूसरा रूप भी होता है जिसमें दो एल्किल समूह या दो एरिल समूह या ये कोई भी समूह हो सकते हैं वो जुड़ जाते हैं, जिससे डाई एल्किल मैग्नीशियम बनता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं मैग्नीशियम का कार्य धातु यौगिक, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे और ये भी लिख देंगे, तो ये तो एक बेसिक जानकारी होगी कि क्या होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इनको बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप इसको एक बार लिखें फिर अपन बनाने की विधि पढ़ते। लिखो, इसको लिखा आपने, अब देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये तो एक बेसिक जानकारी, बहुत बढ़िया। उसके बाद बनाने की विधियां पूछी जाती हैं, तो बिल्कुल सिंपल, आपको कोई ऐसे रटनी नहीं, वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, और यही लिखनी है जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अपनी कॉपी में भी इसको ऐड करेंगे। ठीक, कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन आपको वो जो आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो बीएससी में भी लिखनी है आपको, वही मैं पढ़ाऊँगा आपको, जिससे आप आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो वहाँ पर भी काम आए। ठीक है, बनाने की विधि, बनाने की विधि का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
आप पूरा लिखेंगे बनाने की विधि। नंबर एक, नंबर एक लिख सकते हैं हम कि जब जब एल्किल हैलाइडों एल्किल हैलाइडों क्या होता है आरएक्स की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर या ड्राई ईथर, ईथर तो जानते हैं ना, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़ा होता सिंगल बॉन्ड से आर ओ आर, उसको ईथर बोलते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि मेरे पास ये तो एल्किल हैलाइड है, कोई भी हो सकता है, आरसीएल आरबीआर आरआई अभी बताया था, उसकी रिएक्शन किसके साथ होती है मैग्नीशियम के साथ। शुष्क ईथर का मतलब ये पानी की मतलब प्रेजेंस नमी को खत्म कर देता है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नमी नहीं है, वो शुष्क ईथर होता है, ड्राई ईथर। इसके ऊपर क्या लिख दूं मैं, तीर के निशान के ऊपर ड्राई ईथर, ठीक है। ये केवल इनको जोड़ने का काम करता है, इनको माध्यम प्रदान करता है, और ये क्या बन जाएगा आरएमजीएक्स, और आरएमजीएक्स को अपन क्या बोलते हैं ग्रिगनार्ड या ग्रीनयार्ड अभिकर्मक, हिंदी में लिखेंगे तो ग्रीनयार्ड या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक को बोलते हैं रिएजेंट, ठीक है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम पढ़ ही चुके हैं, अभी अभी लिखा था, ये कुछ भी हो सकता है, एक्स यहाँ पर सी एल बी आर आई, लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आई होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप इसमें एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं और भी, कि जैसे भैया मैं सी एस थ्री सी एल की अभिक्रिया करा दूं एमजी के साथ, मेरे पास वही ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा सी एस थ्री एम जी सी एल, या सी एस थ्री कैसा होगा हमेशा नेगेटिव, क्योंकि कार्बन नेगेटिव होता है ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंडों में, मैग्नीशियम कैसा होगा पॉजिटिव, और भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं, और भी आप आर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं तो वो और सारे बन जाएंगे, सी टू एच फाइव लिख दो तो और भी बन जाएंगे। सेकंड लिखो डाई एल्किल मैग्नीशियम को बनाना है हमको, डाई एल्किल मैग्नीशियम, होता क्या है आर टू एम जी, आर कुछ भी हो सकता है, बता चुका हूं मैं अभी, का निर्माण बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल है ये, मुझे तो बहुत ही सिंपल लगती है, आपको भी लगेगी सर, रिएक्शन बिल्कुल सिंपल सिंपल, कुछ कुछ भी नहीं है, ऐसे ही एग्जाम में पूछी जाएगी। अब देखो एग्जाम्पल आप इसमें कितने भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ सी एस थ्री जगह सी टू एच फाइव कर दो, सी सिक्स एच फाइव कर दो, कुछ भी कर दो, तो बहुत सारे अपने आप ही बन जाएंगे एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐड भी हो जाएंगे, और आपकी कॉपी में भी ज़्यादा एग्जाम्पल लगेंगे तो एग्जाम में नंबर भी अच्छी देगा, ठीक है। डायगल मैग्नीशियम को कैसे बना सकते हैं, उसको भी बना सकते हैं, देखो अगर हम जैसे आर एम जी सी एल की अभिक्रिया करा दें, या आर एम जी एक्स किसके साथ करा दें, आर एल आई के साथ करा दें, ठीक है। तो क्या करेगा ये आर इसको एक दे देगा, और एक आर एम जी एक्स के साथ ऑलरेडी आर था, तो क्या बन जाएगा आर टू एम जी, और कौन बाहर निकल जाएगा एल आई सी एल, ठीक है। आर इसको एक दे देगा और एल आई और सी एल को बाहर निकालेगा, और ये क्या बन गया डाई एल्किल मैग्नीशियम बन गया। अब इसके साथ आप एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, एक बनता है मरकरी का कार धातु यौगिक होता है आर टू एच जी, ये बहुत ही सिंपल है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं मैग्नीशियम के साथ, तो मरकरी क्या होती है यहाँ से बाहर हो जाती है, ठीक है, एच जी के रूप में, और ये क्या बन जाता है आर टू एम जी। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो आपको याद भी रहें और आप आसानी से इनको अप्रोच भी कर पाएं, याद भी कर पाएं, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल ये हो गए, और भी आप लिख सकते हैं कि यदि मैं अभिक्रिया करवा दूं किसकी मैग्नीशियम की, ठीक है, किसके साथ करवा दूं हाइड्रोजन के साथ, और ले लूं मैं यहाँ पर एथीन सी टू एच फोर एथीन होता है, यही तो होता है सी एच टू डबल वन सी एच टू, ठीक है। ये अभिक्रिया होती है उच्च ताप पे, उच्च ताप लगभग होता है, बुक्सों में भी होगा शायद 373 केल्विन के आसपास, और एक रिएजेंट यहाँ पर कैटलिस्टर होता है जेड आर ओ फोर, जिरकोनियम टेट्राऑक्साइड होता है, तो ये भी क्या करता है
इसके साथ डाई एल्कल मैग्नीशियम बना देता है। यहाँ हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल अगर ले लेंगे तो ये बन जाएगा C2H5, एथीन पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो एथीन में एल्किल समूह में चेंज हो जाएगी का क्या हॉल थ्राइस, और ये क्या बना हॉल ट्वाइस सॉरी हॉल ट्वाइस, और ये क्या बना देगा Mg। तो वही एल्किल समूह है C2H5, तो डाई एल्किल मैग्नीशियम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। ये कैसे हुआ देखो, यहाँ हाइड्रोजन कितने थे चार, अरे ये तो यही है, और तीन, और यहाँ कितने माने पाँच दूनी के दस, तो मुझे हाइड्रोजन कितने करने हैं भाई, हाइड्रोजन मुझे कितने करने हैं भाई, दस करने हैं। तो क्या करना होगा, यहाँ पर तीन लगा दो तो कितने हो जाएंगे, छः हो जाएंगे। अरे कितने हो जाएंगे, छः और चार दस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, देखो ध्यान पूर्वक एक बार देखो इसको, ठीक है ना। ये आपको ऐसे नहीं करना कि सर ये बैलेंस वैलेंस करो, ये क्या है एक औद्योगिक मेथड है इसका, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड है। आपको केवल डाई एल्किल मैग्नीशियम बनाना है इसमें ऐसे, मुझे पता है अपन बैलेंस कर सकते हैं लेकिन आपको इतना ही करके छोड़ना है, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि एल्कीन की एल्कीन पे क्या जाकर हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, एक इस पे जाकर जुड़ जाएगा, तो तीन मॉलिक्यूल पे कितने तीन जुड़ जाएंगे, इस पे जुड़ जाएंगे तो हाइड्रोजन क्या होंगे बाहर निकल जाएंगे, इसको किस में चेंज कर देंगे C2H5 में चेंज कर देंगे, ठीक है, इस डबल बॉन्ड को जोड़ देंगे और एल्किल समूह में इसको क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, आपको यहीं तक लिख के छोड़ना है, ठीक है, यहाँ तक ये और एग्जैक्ट सही है। इसको इंडस्ट्रियल मेथड बोला जाता है, औद्योगिक विधि बोला जाता है डाई एल्किल मैग्नीशियम को बनाने की, ठीक है, आपको यहीं इतना ही लिख के छोड़ना है। कभी कभार पूछ ले कि औद्योगिक विधि कौन सी है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, इसको लिखो आप, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे इनकी संरचना कैसे होती है, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, एक बार इसको लिखो फिर मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए। आप बनाने के मेथड में एक और ऐड कर सकते हैं, इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, एक साइक्लोपेंटाडाइन का कंपाउंड बनता है तो उसको इसमें ऐड कर सकते हैं, एक सेकेंड बताता हूँ उसको भी, उसको भी बनाने की विधियों में लिखेंगे आप, क्योंकि ढाई तीन नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आप इंडस्ट्रियल मेथड याद रखेंगे, इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे बैलेंसिंग में, ठीक है, क्योंकि यही एग्जैक्ट है, हमको यही लिखना है, गुमराह नहीं करता मैं बच्चों को कभी भी, जो सही है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कभी आए। तीसरा एक और बना लेते हैं, एक तो हमने RMGX बनाया, एक डाई एल्किल मैग्नीशियम, एक और बना लेते हैं साइक्लोपेंटा डाई इनाइल मैग्नीशियम का निर्माण, मैग्नीशियम का संश्लेषण या निर्माण, नाम से ही पता चल रहा है साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम। देखो मैं बता देता हूं, रिएक्शन में अपन नहीं स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे लेकिन वैसे बता देता हूं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल क्या होता है, ये तो होता है साइक्लोडाइपेंटीन, ये होती है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन भी बोलते हैं इसको। अगर इसके मैं फॉर्मूले की बात करूं तो C5 क्या आएगा, S6, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ कार्बन चार बंद बनाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ कितनी हाइड्रोजन होंगी, दो, ठीक है, हमेशा sp2 संकृत कार्बन पे एक हाइड्रोजन होती है और sp3 वाले पे दो, इस वाले पे दो हैं, तो देखो C5H6 ही बनेगा इसका फॉर्मूला। ये तो होती है साइक्लोपेंटाडाइन होती है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइनाइन क्या होता है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए और इस पर कैसा चार्ज आ जाए, नेगेटिव, ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइन इनाइन, ठीक है, एनाइन मतलब क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इसका फॉर्मूला क्या रह जाता है C5H5। तो इसके क्या दो अणु जुड़ जाते हैं, तो ये भी एल्किल समूह ही है, मतलब साइक्लिक है तो एरिल बोलेंगे लेकिन है तो कार्बन हाइड्रोजन वाला ही, तो दो जुड़ जाएंगे ऐसे, तो C5H5 इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइक्लोपेंटाडाइन इनाइल, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइन से ही बनता है, उसमें से हाइड्रोजन को अगर निकाल दें तो उसका फॉर्मूला C5H6 था, इसका क्या होगा C5H5 होगा, ठीक है। तो देखो क्या रिएक्शन बनेगी कि भैया इसके अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे, C5H6 के साथ करा देंगे, किसकी अभिक्रिया, मैग्नीशियम के साथ, वही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रिएक्शन होती है, तो क्या बन जाता है C5H5 का हॉल ट्वाइस Mg, कौन बाहर निकल जाता है H2, बैलेंस नहीं है तो इसके आगे दो लगा दो, तो देखो यहाँ कार्बन कितने हैं पाँच दुनी दस, तो पाँच दुनी दस, हाइड्रोजन छः दुनी के 12, तो पाँच दुनी के 10 और दो 12, ठीक है। ये एक्चुअल में हुआ कैसे, इसको अपन खोल के भी बना सकते हैं कि भैया मेरे पास ये था, ये इसके दो मॉलिक्यूल थे, यही क्या है C5
S6 है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, इस चैनल का उद्देश्य सिखाना है, इसीलिए ये है, ठीक है। और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Mg के साथ। दो मॉलिक्यूल है, तो इसमें से एक में से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो दो में से दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और मिलकर क्या बना लेंगे? H2S, जो कि ये निकली थी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? Mg, इसके साथ दो साइक्लोपेंटाडाइन एनायन जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये क्या उल्टा बना देता हूँ मैं ऐसे, दिस इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन निकाला है पॉजिटिव के रूप में, और ऐसे ही यहाँ जुड़ जाएगा एक, वो सैंडविच संरचना बन गई इसकी, शुरू शुरू में बताया था मैंने। इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव है, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखा देते हैं कि भैया जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में होते हैं ना, एकांतर क्रम में, डबल बॉन्ड के अगले एटम पर नेगेटिव होता है, नेगेटिव कैसे आया? हाइड्रोजन को एच प्लस के रूप में बाहर निकाला, ठीक है। तो एच टू एस के रूप में बाहर निकल गया, तो नेगेटिव चार्ज। तो जब डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में डबल बॉन्ड के अगले एटम पर नेगेटिव होता है, तो वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, एरोमेटिसिटी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर भी। तो उसको अपन ऐसे गोल गोल दिखा सकते हैं कि भैया ये घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे, और एक मॉलिक्यूल इधर नीचे, ठीक है। क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड अल्टरनेट ऑर्डर में, डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड अगले एटम पर नेगेटिव है, तो ये क्या करते हैं? डीलोकलाइज करते हैं, विस्थानीकरण शो करते हैं। तो इसको ये मैग्नीशियम का सैंडविच यौगिक भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्चुअल में ये रिएक्शन ये थी, ठीक है। तो इसको लिखो, फिर अपन बात करते हैं संरचना क्या होती है मैग्नीशियम के कार धातु यौगिक। लिखो इसको, देखो भाई मैंने क्या किया है, आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम के कार धातु यौगिक या ग्रिग्नियर अभिकर्मक की संरचनाएं समझाइए, तो मैंने बोर्ड पे इसलिए लिख दिया कि आप कॉपी में एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। समय भी बचाने के लिए वीडियो में बड़ा नहीं करना चाहता ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इस पर एक वीडियो और बनेगा इसकी केमिकल रिएक्शन पे। तो आप बिल्कुल कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके लिए कि मैग्नीशियम के कार धातु यौगिक या ग्रिग्नियर अभिकर्मक इनकी संरचना समझाइए, तो आप क्या बोलेंगे कि इनकी कोई निश्चित संरचना नहीं होती है, ये किसी भी विलयन में या किसी विलायक में निम्न रूपों में पाए जाते हैं। जैसे RMGX है, उसको मैंने लिख दिया यहाँ 2RMGX, इसके जैसे दो मॉलिक्यूल हैं, तो इससे कौन कौन सी संरचना बन सकती है? इनकी कोई एग्जैक्ट संरचना नहीं होती है, इनकी निम्न रूपों में पाए जा सकते हैं। एक तो क्या करें, ये इस तरह की संरचना ज्ञात कर लें कि भैया जो ये हेलोजन वाले समूह हैं ये कहाँ आ जाए? बीच में आ जाएं, सेतु लिगेंड के रूप में जिनको अपन ने बोला था, और एल्किल समूह कहाँ जुड़ जाएं? मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएं, इस तरीके से। एक तो इसकी संरचना बन सकती है, इनको अपन क्या बोलते हैं? सेतु बंध बोलते हैं, हमको पता है, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, हम पढ़ चुके हैं। एक क्या हो, एक इस तरह से भी ये रहते हैं, आयनिक रूप में भी रहते हैं, कि 2RMG तो अलग हो जाता है, और 2X हेलो मतलब जो भी हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो भी है, 2RMG प्लस एक तरफ, और जो हेलोजन भी दो ही हैं, R भी दो हैं, MG भी दो हैं, तो ये एक तरफ, ये धनायन के रूप में और एक इस रूप में हो जाता है ऋणायन के रूप में, तो आयनिक रूप में भी पाई जाती है। एक क्या, किससे क्या बन सकता है? R2MG और MgX2, क्योंकि दो मैग्नीशियम है, दो हेलोजन है, तो MgX2, जैसे MgCl2 या MgI2, MgBr2 और R2Mg, ये दोनों क्या करते हैं? साम्य में रहते हैं। ये जो चिन्ह लग रहा है ये साम्य के लिए लग रहे हैं कि भैया ये इसमें भी चेंज हो सकती है, और ये संरचना इसमें भी पाई जा सकती है, इसमें भी पाई जा सकती है, इस रूप में भी। और ये क्या करते हैं दोनों मिलकर, इस तरह की संरचना के दोनों हेलोजन और दोनों एल्किल समूह कुछ इस तरीके से क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। एल्किल समूह इससे जुड़ जाती है, और हेलोजन कहाँ जुड़ जाती है? दोनों मैग्नीशियम धातुओं के बीच में जुड़ जाती है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 2R 2RMg 2X, तो 2X और 1MG ही इसमें से, 1MG इसमें से, तो ये बन जाएगी। एक क्या किया गया, एक इसका अध्ययन पाया गया कि इसका जब एक्स किरण विवर्तन, ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की शाखा होती है, हमने NMR में थोड़ी बहुत बात की थी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, तो उसमें क्या है, इसका अध्ययन किया गया कि इसमें एक इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी पाई जाती है। टेट्राहेड्रल का मतलब चतुष्फलकीय होती है, उसमें क्या है, केंद्र में मैग्नीशियम होता है और चारों तरफ उसके कुछ इस तरीके के समूह होते हैं। टेट्राहेड्रल से हम लोग जानते हैं कि केंद्र में तो कौन होगा? मैग्नीशियम, एक एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ। एक तो कौन पाया जाता है? एल्किल समूह, जैसे C2H5 कोई भी, और एक क्या पाई जाती है? हेलोजन। और क्या पाए जाते हैं? ईथर की उपस्थिति में हम करा रहे थे बार बार, तो ईथर के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, ठीक है, डाईएथिल ईथर। और मुझे पता ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेता है बॉन्ड बना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लॉन पेयर, E2। ये क्या है, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ कि OET2 क्या है? एथिल है, मतलब ये क्या है? ऑक्सीजन। इसके इस तरफ कौन है? C2H5, और इस तरफ भी कौन है इसके? C2H5। ये है OET2, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये संरचना, ये आप इसको लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ अगर आप देखेंगे कैसी है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, इसकी एक ये संरचना भी पाई जाती है। और हमने अभी भी पढ़ा था साइक्लोपेंटाडाइन एनाइल मैग्नीशियम की संरचना के साथ कैसा बना लेता है सैंडविच कंपाउंड, एक तो साइक्लोपेंटाडाइन ऊपर और एक नीचे, ठीक है। फेरोसिन हमने शुरू में भी पढ़ाया था वर्गीकरण में भी, सैंडविच स्ट्रक्चर होती है कैसी,
कि भैया एक जो साइक्लोपेंटाडाइन अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक साइक्लोपेंटाडाइन तो ऐसे और मैग्नीशियम बीच में, और एक साइक्लोपेंटाडाइन कुछ ऐसे दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है आया हो, एक नीचे जस्ट ऐसा का ऐसा ही बिल्कुल उल्टा, यहाँ जुड़ जाता है और यहाँ जुड़ जाता है। इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? सैंडविच कंपाउंड या सैंडविच यौगिक। अभी अभी बताया भी था कैसे बनता है, ठीक है, बनाने की विधियों में। तो एक ये संरचना भी इसकी क्या होती है? पाई हुई पाई जाती है। ये फेरोसिन की भी होती है, आयरन होता है तो उसको फेरोसिन बोल देते हैं, अगर निकल होता तो निकलोसिन बोल देते, कोबाल्ट होता तो कोबाल्टोसिन बोल देते, ठीक है। एक्चुअल में संरचना होती कैसी है? सैंडविच नुमा होती है, ठीक है। सैंडविच नहीं खाते कि हम लोग, ऐसा ही होता है वो, ठीक है। तो इसकी ये संरचनाओं में आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि मैग्नीशियम का कार्य धातु क्योंकि क्या है, इसकी संरचनाएं समझाइए। तो आपको बिल्कुल जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ऐसे के ऐसे ही अपनी कॉपी में इसको छाप लो, ठीक है। बिल्कुल यही की पहले ये एक इस तरीके की संरचना भी पाई जाती है और एक इस तरीके की संरचना भी पाई जाती है, ठीक है। इस लेक्चर में हमने क्या बात की? मैग्नीशियम का कार्य धातु क्योंकि क्या है, उसको बनाने की विधियां, ठीक है। दो तीन रूप में पाया जाता है, एक तो RMGX, R2Mg और एक साइक्लोपेंटाडाइन के रूप में भी ये पाया जाता है, ठीक है। दो साइक्लोपेंटाडाइन वाला जुड़ जाती है, ये क्या है मैं अच्छे से आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अभी जाके रिवर्स में पीछे ही बताया है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, इसमें हम बात करेंगे मैग्नीशियम के कार्य धातु यौगिक की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, केमिकल रिएक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लेक्चर को मिस मत करना। क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर वही पूछा जाता है कि मैग्नीशियम के कार्य धातु यौगिक जो है उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं समझाइए, ठीक है। या ग्रिग्नियर अभिकर्मक, ग्रिग्नियर अभिकर्मक मेन है, मेन रूप में यही होता है, ठीक है। लेकिन ये R2Mg के रूप में भी पाया जाता है, इस रूप में भी पाया जाता है, तो हम इन सबको हमने पढ़ा है, ठीक है। और RMGX को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नियर अभिकर्मक क्यों बोलते हैं? क्योंकि विक्टर ग्रिग्नियर ने इसकी खोज की थी 1912 में, ठीक है। तो मिलते हैं, इस तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और आपको पूरा करवाएंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको एजुकेशन हम लोग हमारे ओर से पहुंचा सके, ठीक है। इसी तरह से अजय अकेडमी को प्यार देते रहें। शुभ रात्रि, बाय बाय।